और अब बात गुजरात के जामनगर की करेंगे, जहां की बीजेपी सांसद पूनम बेन मदाम 10 फीट गहरे नाले में गिर गई। आपको बता दें कि ये हादसा दरअसल कैसे हुआ। पूनम यहां पर मौजूद थी एक अतिक्रमण अभियान के दौरान, कुछ अधिकारियों से बात कर रही थी कि जिस स्लैब पर वो खड़ी थी वो अचानक नीचे की ओर धंस गया। इससे पहले कि पूनम संभल पाती स्लैब नीचे चला गया और पूनम 10 फीट गहरे नाले में गिर गई। आसपास दमकल कर्मी मौजूद थे जिन्होंने पूनम को इस नाले से बाहर निकाला और एम्बुलेंस भी वहीं खड़ी थी और एम्बुलेंस से पास के अस्पताल पहुंचाया। ये तस्वीर आप देखिए, पूनम बेन जो कि बीजेपी की सांसद हैं जामनगर से, ये बात कर रही थी, अचानक भड़भड़ाकर ये स्लैब नीचे की ओर गिर गया और स्लैब के नीचे था 10 फीट गहरा नाला। स्लैब टूटने की वजह से ये हादसा हुआ। पूनम संभल पाती, कुछ समझ पाती उससे पहले ही ये स्लैब नीचे की ओर धंस गया और कुछ और लोग भी इस स्लैब पर खड़े हुए थे जो पूनम के साथ गिर गए। तस्वीरें देखिए, किस तरह से अचानक से खुद को संभाल नहीं पाई, स्लैब नीचे की ओर गिर गया और ये वो जगह है जहां पर पूनम गिरी थी, 10 फीट गहरा नाला जिसके ऊपर ये स्लैब था और स्लैब के ऊपर पूनम खड़ी हुई थी। पूनम बेन बीजेपी की सांसद जामनगर से, स्लैब टूटने की वजह से यह हादसा और बाल बाल बच गई पूनम, क्योंकि अगर वहां पर दमकल कर्मी मौजूद नहीं होते तो वक्त रहते उन्हें मदद और राहत नहीं मिल पाती और शायद इस 10 फीट गहरे नाले में गिरने की वजह से पूनम को और ज्यादा चोटें भी आ सकती थी। हालांकि इस वक्त उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन तस्वीर हम आपको इसलिए बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि यह हादसा इतनी जल्दी हो गया, 10 सेकंड के अंदर ही पूनम इस 10 फीट गहरे नाले में गिर चुकी थी और उन्हें बचाने के लिए दमकल कर्मी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल ले जाया। बात एक बार फिर गुजरात के जामनगर की करेंगे, जहां पर स्लैब खिसकने से 10 फीट गहरे नाले में गिर गई वहां की सांसद पूनम बेन मदाम। देखिए कैसे अचानक से ये स्लैब खिसक गया और इस स्लैब के ऊपर खड़ी पूनम बेन 10 फीट गहरे नाले में जा गिरी। पूनम को संभलने का वक्त नहीं मिला, लेकिन वहां पर जैसे ही पूनम नीचे गिरी मदद के लिए हाथ आगे आए और 10 फीट गहरे नाले से पूनम को बाहर निकाला जा सका। इस वक्त पूनम अस्पताल में ही इलाज किया जा रहा है और खैरियत की बात यह है कि पूनम को ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई, मामूली चोटें आई हैं।